हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है मानव पूंजी निर्माण और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बता दिए थे। आई होप आपने जो है वो वीडियो बहुत ही अच्छे से देख ली होगी और उन क्वेश्चंस को जो है आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम जो है गाइस बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास वाले चैप्टर के बारे में और रोजगार और बेरोजगारी वाले चैप्टर के बारे में, कि इन दोनों चैप्टर से वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है। गाइज, ग्रामीण विकास वाला जो चैप्टर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसमें एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को जो है घोल कर पी जाना है, जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर बनता है वो है नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसा टॉपिक है जिसपे गाइज इसका मीनिंग, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये क्या काम करता है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर आना ही आना है। तो आपको नाबार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो ज्यादा से ज्यादा, सबसे पहले इसके काम, ठीक है, इसका पूरा नाम, इसका काम और इसका पूरा नाम, और दूसरा ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर शॉर्ट नोट नहीं आया या इसके काम नहीं आए तो ये इसका पूरा नाम और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इस पर इसके ऊपर तो क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में जो है आना ही आना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के ऊपर क्वेश्चन जो है कई बारी एग्जाम में आया हुआ है और इस बार भी इसके आने के चांस जो है वो कहीं ज़्यादा है, कि स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सहकारी साख समितियों के 3 उद्देश्य बताइए कि ये किन ऑब्जेक्ट के लिए जो है काम करती हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से गाइज आपसे जो है ना कुछ पॉइंट्स पे आपसे जो है शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जैसे कि इसके ऊपर इसके चांस अभी बहुत ही ज़्यादा हैं, करंट अफेयर में चल रहा है, अपडेटेड टॉपिक है, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप जानते ही हैं किसान इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भैया के जो नया कानून वगैरह आया है, तो ये जो बिल्कुल अपडेट टॉपिक है इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट आने के चांस कहीं ज़्यादा हैं। बफर स्टॉक जो है वो क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड या जिसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं क्या होता है, बागवानी क्या होती है, तनवा क्या होता है, और आपात बिक्री किसको कहते हैं। ये गाइज 6 से 7 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, ग्रामीण विकास वाले चैप्टर में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर गाइज कंपलसरी है शॉर्ट नोट जो है, या इससे शॉर्ट नोट आ सकता है, किसी भी चीज के बारे में पर्टिकुलर आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर आपका ये सब गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को, जितने भी मैंने यहां लिखे हैं, एक एक वर्ड को आपको जो है बहुत ही अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपना क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, गाइस आपको इस चैप्टर के अंदर ना बहुत ही ज्यादा टाइम लगाना है, ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चन जो 5, 6, 7 है उसमें से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है एग्जाम में आएगा ही आएगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप इसमें अच्छे से टाइम स्पेंड करिए और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रामीण किसान को, भारतीय किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से उनको साख की आवश्यकता पड़ती है, उनके पास साख के क्या क्या स्रोत है, किन किन स्रोतों से उनके पास पैसा आ सकता है, मतलब संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं, गैर संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं, सब आप बताएंगे, खासकर संस्थागत वाले। और जो भी ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली है उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये एक पूरा क्वेश्चन बनता है रूरल क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, ये रूरल क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन गाइज कंपलसरी है यहाँ पर, या तो ये पूछा जा सकता है, मतलब ये पूरा कंबाइंड क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक चीज, या तो इनको आवश्यकता क्यों पड़ती है, साख के स्रोत बताइए, या ग्रामीण बैंकिंग का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये इसमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है, बट रूरल क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है। इसके अलावा गाइज क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कह रहा है कृषि विपणन क्या होती है, विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए, और कृषि विपणन के वैकल्पिक माध्यम कौन कौन से हैं। गाइज ये जो क्वेश्चन है, कृषि विपणन के वैकल्पिक माध्यम कौन कौन से हैं, इस क्वेश्चन के आने के चांस एग्जाम में इस बार जो है कहीं ज्यादा है। आप इसको मार्केटिंग के ऊपर, ये देखिए कृषि अभी बिल्कुल मार्केटिंग के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ, कृषि आंदोलन वगैरह सब कानून वगैरह। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आपको पता ही है। अपडेटेड रहिए, बिल्कुल जैसा अपडेट चल रहा है मार्केट के अंदर, क्वेश्चन भी जो है आप उसी तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो या तो आपका क्रेडिट के ऊपर, या ज़्यादा जो चांस है वो मार्केटिंग के क्वेश्चन के ऊपर आने के चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो कह रहा है कृषि विविधीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्यों आवश्यक है, मतलब कृषि विविधीकरण क्यों करना चाहिए, और ग्रामीण जनसंख्या के रोजगार के 3 गैर कृषि क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, मतलब कृषि के अलावा और काम की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। गाइज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन 3 क्वेश्चनों की मैं गारंटी दे रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन वो भी बड़ा 6 नंबर का जो है वो फंस ही सकता है, कंपलसरी है, ठीक है। ज्यादा चांस एक क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, लेकिन इन 3 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर आना ही आना है। आप इन 3 क्वेश्चनों को, ये बड़े क्वेश्चन है, इनको आप बहुत ही अच्छे से अपने पास मैटर तैयार कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे को जो है इसके अंदर ये लिखना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ग्रामीण विकास क्या है और ग्रामीण विकास के मुख्य मुद्दे क्या होते हैं। इस क्वेश्चन के आने के चांस थोड़े से कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस ये जो 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन बनते हैं आपके ग्रामीण विकास वाले चैप्टर से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेकिन पूरी पिक नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इन 8 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के आने के चांस एग्जाम में कहीं ज्यादा हैं। अब हम बात करते हैं रोजगार और बेरोजगारी वाले चैप्टर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो ये बनता है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है महिला श्रमिकों का जो प्रतिशत है वो अधिक निम्न क्यों है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं वो कम काम क्यों करती हैं, इसका क्या रीजन है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांस एग्जाम में जो है कहीं ज्यादा हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर गाइज इस चैप्टर में से, रोजगार और बेरोजगारी वाले चैप्टर में से, कई सारे एक एक नंबर के वर्ड्स हैं जो कि आपसे इनके मीनिंग पूछ सकता है। जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है जीडीपी का मीनिंग बताइए, वो आपसे पूछ सकता है कि स्वनियोजित मजदूर या श्रमिक भी कह सकते हो कौन होते हैं, अनियमित मजदूर या अनियमित श्रमिक भी कह सकते हो कौन होते हैं, कार्यबल क्या होता है, श्रम की आपूर्ति क्या होती है, श्रम बल क्या होता है, सहभागिता की दर क्या होती है, नौकरी रहित समृद्धि या रोजगार रहित समृद्धि क्या होती है, कार्यबल का अनियमितीकरण क्या होता है, कार्यबल का अनौपचारिकताकरण क्या होता है, या अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है। अदृश्य बेरोजगारी को प्रछन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, तो ये आपको इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ 11 वर्ड लिखे हैं, इसमें से गाइस 11, 10, 9, 8, 7 और ये जो है ना गाइस नीचे से, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कार्यबल श्रमबल, ये गाइस कई बारी रिपीटेड है एग्जाम में, कई बारी आए हुए हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर करके जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये बनना है आपका कि औपचारिक क्षेत्र या संगठित क्षेत्र भी जिसको कहते हैं, या अनौपचारिक क्षेत्र जिसको असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें अंतर बताइए। कुछ भी लिखकर आ सकता है, सेम ही चीज होती है। या गाइज औपचारिक क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं उसको औपचारिक श्रमिक कहते हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं उसको अनौपचारिक श्रमिक कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक में अंतर बताइए।
पता चला आप पढ़ के गए संगठित और असंगठित, मतलब ये औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक, और क्वेश्चन आ गया औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक, तो आप छोड़कर मत आ जाना कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, जो इसमें काम करता है उसको औपचारिक कहते हैं, जो इसमें काम करता है वो उसको अनौपचारिक कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे, तीन तरीके से आ सकता है, औपचारिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र या औपचारिक श्रमिक, ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर चार की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि बेरोजगारी के कारण बताइए, मतलब वो मोस्टली आपको निर्धनता वाले मिल जाएंगे, एक दो और पढ़ लीजिएगा। एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी के दुष्परिणाम बताइए या प्रभाव बताइए कि क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, बेरोजगारी के दुष्परिणाम या प्रभाव, ये भी बहुत बारी आ जाता है, इसमें बच्चे लिख नहीं पाते हैं कि बेरोजगारी के प्रभाव क्या देखने के लिए मिलेंगे, तीन नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। और रही बात ठीक करने के उपाय की, तो वही निर्धनता के लिए जो सरकार जो प्रोग्राम वगैरह बना रही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ निर्धनता में क्या, तो निर्धनता के कारण या बेरोजगारी के कारण या निर्धनता को ठीक करने के उपाय या बेरोजगारी को ठीक करने के उपाय, ये सेम ही है। ठीक है भाई, भाई जब बेरोजगारी दूर होगी तभी तो निर्धनता दूर होगी, तो यहाँ पर जो है ये सेम ही है, एक ही क्वेश्चन आएगा, दोनों चैप्टर से नहीं आने वाला है क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर पाँच की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर पाँच में कह रहा है के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वनियोजितों की संख्या अधिक क्यों है, रीजन बताइए कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हैं और शहरी क्षेत्रों में कम है, इसका क्या रीजन है। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है महिलाओं का सशक्तिकरण उनके रोजगार से संबंधित है, ये इस पर टिप्पणी लिखनी है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये छह क्वेश्चन बनते हैं आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार और बेरोजगारी वाले चैप्टर से, जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है। सो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जिस अब अगले वीडियो में जो है हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। वीडियो अगर आपको गाइज अच्छी लगी हो सो प्लीज इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।